राजघाट पुलिस ने पशु तस्कर गिरोह के दो शातिर अभियुक्तों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को शहीद मुबारक खां मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान हरेंद्र भारती पुत्र रमाकांत भारती निवासी दुधई थाना चौरी चौरा जिला गोरखपुर, दूसरा लाल बाबू भारती पुत्र सुरेश भारती निवासी दुधई थाना चौरी चौरा जिला गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से एक देसी तमंचा, एक खोखा कारतूस एवं दो जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। राजघाट थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों अभियुक्त वांछित चल रहे थे, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में राजघाट थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा, टीपी नगर चौकी प्रभारी अनुप कुमार मिश्र, उप निरीक्षक सुशील चौरसिया, राजेंद्र सिंह, कांस्टेबल दीपक कुमार, मंगलदीप, अशोक सिंह, फतेह बहादुर गौतम शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर में पशु तस्करी पर रोकथाम लगाने के लिए पिछले महीने भर में 3 से ज्यादा बड़ी गैंगों का पर्दाफाश किया जा चुका है, जिसमें 10 से ज्यादा पशु तस्कर जेल भेजे जा चुके हैं। इसी क्रम में कल रात को थाना राजघाट द्वारा एक ऐसी गैंग का पर्दाफाश किया है जो लोग बिल्कुल इससे भी डर नहीं लगता उनको कि थाने की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो एवं पुलिस वालों को कुचल दिया जाए। इसी तरीके का एक वाकया जिसमें थाना राजघाट द्वारा पशु तस्करों की गाड़ी को रोका जा रहा था, उसी समय उन्होंने जवाबी फायरिंग की एवं एक गाड़ी को उन्होंने थाने की गाड़ी को नुकसान भी पहुंचाया है। इसी में पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए दो पशु तस्करों को दबोच लिया, उनके पास से एक तमंचा, एक चलाया हुआ खोखा एवं दो जिंदा खोखे कारतूस बरामद हुए हैं। उसके साथ में दो एंड्रॉयड फोन भी जब्त किए गए हैं। इनके खिलाफ लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम एवं आर्म्स एक्ट एवं 307 जैसी संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए।